वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट आपका फिर से स्वागत करता हूँ आदित्य थ्री सेंटर के एक और एक्साइटिंग व्लॉग में। आज हम बात करेंगे रेकॉर्ड कंपनी के बारे में जो स्पेशली गीजर ही बना रही है पिछले 60 सालों से। तो चलिए आज बात करते हैं कि इसके किस किस तरह के गीजर आते हैं, यानी टाइप्स ऑफ गीजर। चलिए हम पहले बात करते हैं गैस गीजर के बारे में। रेकॉर्ड कंपनी के दो ही तरह के गैस गीजर आते हैं, इसमें एक है नॉन एलईडी एंड है एक एलईडी। ये वाटर गैस गीजर की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक है एलईडी सिंपल और एक है विद एलईडी। चलिए बात करते हैं दूसरे टाइप गैस गीजर के बारे में, जो है इलेक्ट्रिक गीजर। इसमें इनके पास काफ़ी वैरायटीज़ हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इंस्टेंट गीज़र। इंस्टेंट गीज़र मैं कहूँ तो स्टार्ट होता है 1 लीटर से और जाता है ये 6 लीटर तक। इसकी जो कैपेसिटी है 1 लीटर स्टार्ट होती है, अप टू 6 लीटर तक जाती है। तो इस सीरीज़ के बारे में हम बात करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गीज़र कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको मैं बताता हूँ। चलिए हम पहले बात करते हैं जो इनके गीज़र आते हैं इंस्टेंट गीज़र। ये हैं 5 तरह के। पहला प्रोंटो स्टाइलो, दूसरा प्रोंटो स्टाइलो ES, तीसरा प्रोंटो स्टाइलो ड्यूरोनॉक्स, चौथा प्रोंटो नियो और पांचवा प्रोंटो स्टाइलो ड्यूरोनॉक्स। इनकी जो कैपेसिटी है वो प्रोडक्ट से वेरी करती है। अगर मैं उसे बात करता हूँ डिटेल में तो चलिए आपको बताता हूँ। जो प्रोंटो स्टाइलो है ये 1 लीटर से आता है, यानी कि 1 लीटर का, 3 लीटर का और 6 लीटर का। जो प्रोंटो स्टाइलो ES है ये है 1 लीटर में, 3 लीटर में और 6 लीटर में। दूसरा है, यानी कि तीसरा है नेक्स्ट इससे आगे प्रोंटो नियो ड्यूरोनॉक्स, ये सिर्फ 3 लीटर में ही आता है। चलिए इससे नेक्स्ट मॉडल की बात कर लेता हूँ, प्रोंटो स्टाइलो ड्यूरोनॉक्स। ये भी इंस्टेंट गीजर ही है, ये भी 3 लीटर में ही आता है। एंड जो पांचवा का जो गीजर है प्रोंटो नियो, ये आपको 1 लीटर, 3 लीटर और 6 लीटर में आता है। इसकी खासियत बात ये है इसकी गर्म कर देता है। चलिए अब बात करते हैं इनकी जो थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी है उसके बारे में, वो भी रेकॉर्ड कंपनी का ही है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी इंक्रीज है इनसे, वो इनसे काफ़ी बड़ी है। और उस मॉडल के अंदर ही जो पाइप की, जो गीज़र की जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री है और पाइप्स भी फ्री हैं। तो चलिए उस गीज़र के बारे में बात करते हैं आपसे। शेप है इस गीज़र कंपनी की, ये शेप है स्क्वायर शेप में, और ये गीज़र जो डिमांडिंग है इसकी वो ज़्यादा है। मार्केट में इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, इसकी जो मार्केट है काफ़ी अच्छी है। चलिए बात करते हैं इस गीज़र के बारे में। पहला इनका जो मॉडल है वो है ओमनी वाईफाई। सेकेंड जो गीज़र है वह है ओमनी लक्स। जो ये ओमनी लक्स है और यही गीज़र सबसे ज़्यादा बिकने वाला है इस कैटेगरी में। और जो तीसरा है वह है ओमनी लक्स प्लस, और चौथा है ओमनी लक्स प्लस, और यह है एंड्रिस स्लिम, एंड्रिस यूनो। जी हाँ, मैंने आपसे बात करी, जो इस प्रीमियम कैटेगरी में आ रहे हैं जो गीज़र वो है ओमनी लक्स, ओमनी लक्स प्लस, ये जो गीज़र हैं, और ओमनी लक्स वाईफाई। ये जो गीज़र हैं बहुत ज़्यादा ही डिमांड में हैं और इनकी इंस्टॉलेशन फ्री है। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे जो इसकी एक और कैटेगरी है वो है एंड्रिस नाम से, इनकी सीरीज चलती है एंड्रिस के नाम से। इसमें मैं बात करता हूँ एंड्रिस लक्स प्लस, एंड्रिस स्लिम, एंड्रिस यूनो। जो ये एंड्रिस स्लिम है, जो ये ऐसा है जैसे कि अपने घरों में एसी लगे होते हैं वैसी शेप का ये आपका एसी टाइप में आता है गीज़र। और मेरी माने दोस्तों बहुत ही अच्छी कमाल का लुक का ये गीज़र है, बहुत पसंद आता है लोगों को। और इसकी जो इंस्टॉलेशन है और जिसके इंस्टॉलेशन जो पाइप हैं वो फ्री हैं, और ओमनी लक्स सीरीज़ है, इन्हीं के साथ में इंस्टॉलेशन और पाइप फ्री आ रही हैं। इनके कुछ मॉडल हैं जिनमें सिर्फ इंस्टॉलेशन फ्री है, साथ में पाइप फ्री नहीं है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करते हैं, तो जो कैटेगरी है
वो है क्लासिक सीरीज़ में, यानी कि मैं आपसे बात करूँ तो जो घर के अंदर सिलेंडर होते हैं उसी शेप में आते हैं, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में। तो चलिए इन मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। ये है जो पहला मॉडल है इनका, वो है क्लासिको शिफ्ट, और क्लासिको और सीडीआर, सीडीआर शिफ्ट और सीडीआर डिलक्स। और एक और है इनका कैटेगरी, ऐसी सेम सिलेंड्रिकल शेप में आता है, और ये है इनका बोनो प्रो। चलिए इनके बात करते हैं इनकी कैटेगरी में कि कितने कितने लीटर के आते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था ओमनी वाईफाई के बारे में। ओमनी वाईफाई है, ये आता है 15 से 25 लीटर के में, और ओमनी लक्स 10 लीटर स्टार्ट होता है और 25 लीटर तक आता है। जो ओमनी लक्स प्लस है ये भी 10, 15 और 25 कैटेगरी में आता है, यानी कि लीटर में। नेक्स्ट चलो हम बात करते हैं, ये है एंड्रीस लक्स प्लस, ये भी 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर में आता है। जो मैं आपसे बात कर रहा था एंड्रीस यूनो, ये भी 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर में आ रहा है। जो आपसे एक मैंने बता रहा था कि एक इनके एंड्रीस स्लिम जो कैटेगरी है, एक एंड्रीस जो इसी टाइप में आता है और 30 लीटर में आता है। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ जो सिलेंडर का शेप थी, इस शेप में जो गीजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो सीडीआर शिफ्ट है वो है 6 लीटर से 10 लीटर के बीच में, और दूसरा है सीडीआर लक्स डेलक्स, ये है 15 लीटर में, 25 लीटर में और 35 लीटर में। और जो इसका सबसे लास्ट मॉडल जो मैं बता रहा हूँ आपसे वो है बोनो प्रो, ये आता है 10 लीटर में, 15 लीटर में और 25 लीटर में। आज आपने कुछ नया देखा होगा, आज कुछ नया सीखा होगा एलिकॉल कंपनी के बारे में। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही मैंने इनसे कोई पैसे लिए हैं। मैं सिर्फ जस्ट अपनी जो नॉलेज है या मेरी जो जानकारी है वो आपसे बस शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप में से बहुत से लोग हैं वो गीजर लेने के इच्छुक होंगे। और अब जैसे आप जानते हैं कि जो सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि नवंबर आ चुका है, नवंबर चल रहा है, तो ठंड बढ़ने लगी है, लोगों को गर्म पानी की आवश्यकता होती है घरों में, रसोई के अंदर, किचन्स के अंदर, नहाने के लिए, धोने के लिए। तो आप ज़रूर इस कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं। और मेरा मोटिव यही रहता है कि जो मेरा आपसे जो कांटेक्ट है, जो आपसे जानकारी मैं शेयर करना पसंद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, व्लॉग के माध्यम से, कि आपके पास जानकारी पहुँचे, आपको कुछ नया पता चले और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप भी मुझे कमेंट में बताते रहते हैं कि इस मॉडल के ऊपर आप टॉपिक बनाइए, या मैसेज करते हैं कि मुझे ये इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो हम नेक्स्ट जो अपना ब्लॉग होगा वो अगली बार कुछ इन्हीं के बारे में, कुछ इनकी ज़्यादा अल्ट्रेशन के बारे में, इनकी कैसे रिपेयरिंग होगी, कैसे इनको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, कैसे होते हैं इंस्टॉल ये, और कौन सा मॉडल लेना चाहिए, या फिर हमें किस टाइप का मॉडल हम देख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो अपना उसी के ऊपर होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले